हे हाय माय नेम इज एंड वेलकम इन इजी लिविंग तो आज बात करने जा रही हूँ अबाउट वन यू नो एक साइकोलॉजिकल uh, ट्रेट है जिसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट एंड मुझे ऐसे लगता है पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार इस दुनिया में इतने टाइप की भगवान ने कैसे कैसे अजीब अजीबोगरीब लोग बना है बट अब अभी मुझे समझ में आ रहा है कि यू uh, नो you know, ये लोग जो होते हैं ये दे आर नॉट नॉर्मल ह्यूमंस इनमें पर्सनालिटी ट्रेड्स होते हैं कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं सो so, ऐसे ही है हमारा वर्ल्ड जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है uh, कुछ के पता चल जाते हैं क्योंकि उनमें खुद में यू you नो know, एक पावर एक ये रहता है एक जानना है कि मुझ में प्रॉब्लम क्या है बट बट uh, कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऐसे रहते हैं कि उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो अगर उनको जब तक नहीं लगता कि उनमें कुछ प्रॉब्लम है तब तक तो वो नहीं उससे बाहर निकल सकते तो जैसे साइकोलॉजी साइकोलॉजिस्ट को के पास जाने के लिए भी लोगों ने उनको बोलना चाहिए कि आपके आप में कुछ इशू है आप में कुछ प्रॉब्लम्स है तो अभी बात करते हैं नार्सिसिस्ट के बारे में दिस इज़ अ पर्सनालिटी ट्रेट विच आई रिकवर मुझे मुझे ये कब पता चला व्हेन आई वाज डूइंग माय फर्स्ट जॉब एंड यू नो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब वेन आई वॉज वर्किंग विथ इन्फोसिस लाइक अ बिग एक बहुत बड़ी एम एन सी है बहुत uh, नाम है उसका नेम है फेम है सो so, मुझे ये लगा था कि बहुत ही अच्छे सीनियर्स मिले हैं जब मेरा उनके साथ फर्स्ट टाइम इंटर हुआ था एंड एवरीबडी वर्स यू नो बहुत खुश नहीं थे उन लेडी से शी वॉज ऑलमोस्ट ट्वेंटी सेवन ईयर ओल्ड दैट टाइम एंड आई वॉज वेरी वेरी मतलब बहुत ही यंग थी मैं तब बहुत एंड एंड आई वाज अराउंड ट्वेंटी थ्री सो उनको सब पीछे से गालियां दे रहे थे बट दैट टाइम आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इनको सब इतना गुस्सा क्यों कर रहा है एंड लेटर ऑन आई अंडरस्टूड के इस बंदी में कुछ ना कुछ इश्यू तो है बट बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट जॉब एंड सब काम कर रहे थे सिक्स सिगमा प्रोजेक्ट पर तो यू you नो know, उनको सब टॉलरेट करते थे अब आपको नार्सिसिस्ट के बारे में बताना चाहूँ तो शी वॉज अ नार्सिसिस्ट आई एक्सपीरियंस हर बहुत ही क्लोथ्स एक्सपीरियंस किया मैंने उनको क्योंकि यू नो ऑलमोस्ट फोर टू फाइव मंथ्स आई हैव वर्कड विद हर ऑन अ सेम प्रोजेक्ट जिसमें हम छः लोग थे बट Uh, वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट थी दैट टाइम मैं तो फ्रेशर थी एंड शी वाज क्वाइट एक्सपीरियंस पर्सन दैट टाइम एंड आई यू नो मुझे हंसी भी आती है और ये भी लगता है बट कुछ ऐसे किस्से हुए उस टाइम कि uh, मुझे लगा कि हाउ हाउ कोई ऐसे किस कोई ऐसे क्यों हो सकता है तब मुझे बहुत गुस्सा आता था बट यू नो बट लटर ऑन हमको पता चला कि जब उनके फैम वो ऐसे क्यों बिहेव करते हैं तो उनके फैमिली एक बार बहुत बड़ा इशू हुआ तो उनके फैमिली मेम्बर आए आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कलोज़ हर नेम बिकॉज यू नो हर किसी की पर्सनल लाइफ है गॉड ब्लेस हर एंड अभी बहुत अच्छे से हो ठीक हो गई हो नहीं भी हो गई होगी तो किसी की जान खा रही होगी हंड्रेड एंड so, वन परसेंट सो ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है उनके मदर फ़ादर आए थे फिर कंपनी में बहुत बड़ा इशू हुआ था तब तो हमें पता चला कि ये थोड़ा साइकोलॉजिकली इनको प्रॉब्लम है एंड इसको बोलते हैं नार्सिसिज्म तो ये एक पर्सनालिटी ट्रेट है एंड दैट टाइम वी डिस्कवर्ड दिस आज लाइटनिंग का थोड़ा इशू है फ्रेंड्स सो प्लीज़ निगलेक्ट दैट सो बात करते हैं अभी नार्सिसिज्म के बारे में तो ये मतलब ऐसे लोग हैं इनको लगता है कि ये स्पेशल है uh, बहुत ही ज़्यादा ये लोग धूर्त चलाक यू you नो know, बहुत ही कनिंग होते हैं इनमें इम्पत्थी बिल्कुल भी नहीं होती इनमें किसी के लिए दया नहीं होती सिर्फ और सिर्फ खुद का स्वार्थ देखते हैं ये लोग गाइज ट्रस्ट मी वी हैव एक्सपीरियंस दैट वूमेन ऑलमोस्ट सिक्स टू यू नो ऑलमोस्ट फाइव टू सिक्स मंथ्स इन अ वेरी क्लोज वे लाइक हम दिन में से ऑलमोस्ट एट आवर्स उनके साथ ही बिताते थे वही वी नो दैट हाउ हम कैसे बिताते थे मैं तो बहुत ही फ्रेशर थी बहुत ही जूनियर थी तो मैं मैंने तो कभी मुँह नहीं खोला उनके सामने बट बाकी के बंदे जो थे मतलब नार्सिसिज्म के जो भी फ्रेंड्स लेट मी टेल यू दैट आप इस वीडियो uh, को आई एम नॉट प्रोफेशनल यू नो एक्सपर्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस आई फील दैट कि यू you नो know, मुझे ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जैसे जिनको पहले पता ही नहीं रहता यार हम किसके साथ डील कर रहे हैं कौन है यार ये लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं क्यों बिहेव करते हैं तो तो बाकी लोगों के साथ तो मेरा इतना uh, मुझे इतने साइकोलो साइको लोग मिले नहीं बट एक uh, बहुत ही वियर्ड uh, नार्सिसिस्ट मिले थे फ्रेंड्स बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था यार मतलब पर्सनली उन्होंने मुझे कुछ हार्म नहीं पहुंचाया बट द वे शी वाज बिहेविंग विथ एवरीवन क्योंकि यू नो इन लोगों में सक्सेस पाने की चाहत बहुत ही ज़्यादा रहती है एंड ये उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं किसी भी मतलब किसी भी कितना माइंड गेम करेंगे ये लोग बात करने में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं अगर उनके पर्सनल लाइफ की बात करो तो उनके जो फैंस थे मतलब उनके जो यू uh, नो you know, Uh, बोलेंगे कि uh, हमें पता चला था तब शादी करने वाले तो उनके जो फैंसे थे सेम कंपनी में थे वो भी तो वो जो उनके फैंसे थे ना उनकी भी उन्होंने इतनी वाट लगा डाली थी पता नहीं अभी मुझे ये पता नहीं कि नार्सिसिज्म जब मैंने मेरे फैमिली डॉक्टर के साथ बात करी थी एक बार कि ऐसे ऐसा एक पर्सन है मेरी इधर एंड वी डोंट नो हाउ टू डील विद दैट एंड हमें अभी अभी पता चला कि वो उस उसको ना उसका उसको पर्सनली डिसऑर्डर है नार्सिसिस्ट का सो माय डॉक्टर सजेस्ट मी के स्टे अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ वूमेन अगर स्पेशली वो वूमेन है तो बहुत ही माइंड गेम खेलना बहुत ही यू you नो know, बहुत ही इंटेलिजेंट रहता है ये लोग बट इंटेलिजेंट किस चीज़ में इनको लगता है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत लोग ये है अगर वो है खूबसूरत तो तो फिर मतलब आप छोड़ ही दो अगर नहीं भी है तो इनको ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत यही है सारी दुनिया इनसे ही जलती है एंड सबसे ब्रिलियंट यही है मल्टी टैलेंटेड यही है एंड बेसिकली ये लोग अंदर से इनसिक्योर रहते हैं इसलिए आई थिंक कि ये सबको इनको ऐसे लगता है कि सारे लोग सारे लोग इनसे जलते हैं तो ऐसे तो कुछ होता नहीं है बट स्टिल सो यू नो बहुत ही वियर्ड होते हैं फ़र्स्ट टाइम आप मिलोगे इनसे तो इतने प्यार से आपके साथ बात करेंगे जब मुझे याद है जब मेरा उनके साथ इंटरव्यू कराया था अभी सीनियर है तो मैंने कुछ बोला नहीं उनको बट बहुत ही प्यार से अब मुझे बाद में ये पता चला कि इतना प्यार से ये हर एक नए बंदे के साथ बात करती है एंड फिर ये क्या करते हैं मतलब अपने प्यार में ऐसे फंसा लेते हैं ना एंड फिर अपना पूरा काम निकालेंगे एंड छोड़ देंगे आपको तो अगर आप इनके फ्रेंड्स हो कलीग हो आपको ऐसे कोई बंदा मिल रहा है कि आपको लगता है कि इसका बिहेवियर कुछ वियर्ड सा है एंड uh, मतलब यू uh, नो you know, बहुत ऐसे दिखाएंगे फ़ोटोज़ भी ऐसे ऐसे रखेंगे कि बहुत दुनिया के बेस्ट खूबसूरत uh, मतलब ऐसे फ़ोटोज़ भी ऐसे ऐसे रखेंगे कि दुनिया के बहुत ही मशहूर व्यक्तियों में से ये एक है एंड झूठ भी ये लोग इतना बोलते हैं मतलब जिधर ज़रूरत नहीं अभी झूठ तो हर कोई बोलता है आई नो दैट बट जहाँ जरूरत नहीं वहाँ भी ये लोग झूठ घुसा देंगे मतलब इनको ना झूठ बोलना ही है पता नहीं क्यों है क्या है मैं इनको झूठ बोलना है हर किसी से इनको लड़ना है पहले ये क्या करते बहुत प्यार से बात करते प्यार से बात करते अब मैंने जैसे बोला था वो लाइटनिंग का थोड़ा सा इशू था तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई हूँ तो बात कर रही हूँ अभी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में नार्सिसिस्ट के तो आपको बताती हूँ कि साइंस क्या रहता है साइंस साइंस ये रहते हैं कि ये बहुत ही मतलब बैग पिचिंग करते हैं बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलने में माहिर रहते हैं झूठ हर कोई बोलता है जैसे कि आ, जैसे कि हम कभी कभी अच्छाई के लिए झूठ बोल देते हैं छोटा मोटा झूठ हम बचपन से कर बड़े हो जब भी, भी बड़े होते हैं तब छोटा मोटा झूठ चलता रहता है ढींगे मारना चलता रहता है ये नॉर्मल है दिस इज़ नॉर्मल डोंट टेक इट इन अदर वे मैं आपको जो सिम्टम बता रही हूँ वो इस टाइप का झूठ रहता है कि मतलब जैसे आप इनको पूछोगे कि आपकी इयर बहुत अच्छे हैं सो दे माइट बी टेलिंग यू दैट हाँ अगर वहाँ पर ज़्यादा लोग बैठे रहे होंगे तो दे माइट बी टेलिंग यू दैट कि हाँ मैंने अमेरिका से मंगवाए हैं हाँ मैंने ये तो इंग्लैंड से मंगवाया है जबकि आप सफेद झूठ बोलेंगे ये इनको ना पता रहता है कि दे नो देट इनका माइंड ही कुछ ऐसे तरह से बना है दे नो देट कि दे आर लाइंग वो झूठ बोल रहे हैं और सफ़ेद झूठ इतना ऐसा बोलते हैं कि मतलब आप उनको बोलोगे आप आप इनको बोलोगे कि मैंने अभी आपको पेन ड्राइव दिया था जिसमें पूरा डेटा है सो दे माइट बी टेलिंग यू दैट नो देर इज़ नथिंग इन योर पेन ड्राइव विच यू हैव गिवन मी सो इट्स लाइक दैट मतलब सफ़ेद झूठ बोलेंगे प्रॉबेबली हो सकता है घर में मतलब दूसरे को परेशान करने के लिए झूठ बोलते हैं एंड ऐसे भी दिन भर झूठी बोल मतलब नॉर्मल लोग दिन में एक बार झूठ बोलते होंगे शायद से एक या दो बार बट ये जो है ये दिन में कम से कम बीस से पच्चीस बार झूठ बोलते रहेंगे झूठ ऐसा बोलेंगे जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है आ, कुछ ज़रूरत नहीं थी वो झूठ बोलने की जैसे कि अगर आप इनको बोलोगे कि आपने आज क्या खाना खाया तो उसमें ये बढ़ा चढ़ा के बताएंगे कि मैंने तो आज फ्रेंच ये वो पैसे वाला बर्गर ही मंगाए और स्पेशल ये मतलब जेलस बहुत ज़्यादा रहते हैं मतलब इस हद तक जेलस रहती है कि छोटी जो सुंदर सी लड़कियां उनको भी देखकर ये जल जाएंगे मन से बहुत ही अंदर से बहुत ही खोखले खाली और इनसिक्योर रहते हैं तो ये दस लड़कों के साथ बात करेंगे दस लड़कों को चिपकेंगे बट इनके जो फ्यांस हैं वो किसी के साथ नहीं बात कर सकते क्योंकि उनको वो इतने इनके जो फ्यान से रहते हैं या फिर जिसके भी साथ रिलेशनशिप में रहते वो इतने डरे हुए सहमे से रहते हैं उनको लगता है मैं मेरे हाथ से थोड़ा भी गलत हो गया तो ये औरत मेरी जान ले लेगी या खून पी लेगी इस टाइप का इनका एक ये रहता है सो so, अगर आप इनसे डर गए तो ये आपको डराते ही रहेंगे ये आपकी एनर्जी ले लेंगे ये आपकी एनर्जी सक करते रहेंगे सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम अनलेस यू आर अनलेस ये नारसिससिस आपकी हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ या फिर आपके बच्चे या फिर आपके मॉम डैड नहीं है इनमें सहानुभूति नहीं रहती है इनको बहुत इमोशनल लेस रहता है इनको कुछ लेना देना नहीं है आपकी यू नो you know, आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं रहे ये बस खुद का देखेंगे सो तो ये एक ऐसी पर्सनलिटी ट्रेड है ये बहुत ही सेल्फिश है बहुत ही झूठी है सो तो तीन चीज़ से आप जान सकते हो कंटिन्यूसली लाइंग कंटिन्यूसली झूठ बोलना देन कंटिन्यूसली डिप्लोमेटिक गेम खेलते रहेंगे हमेशा माइंड गेम खेलेंगे ये नहीं है कि ये रिलेशनशिप है मतलब काम पड़े तो अपने बच्चे को भी यूज़ कर सकते हैं ये इस हद तक इस लेवल तक ये नीचे जाते हैं लोगों को बाहर के लोगों के साथ अलग सोसाइटी में अलग फेस रहेगा इनका एंड जो भी विक्टिम है इनका उसको पर्सनली ये इतना टॉर्चर कर देते हैं कि वो बंदा मतलब बाहर की किसी को बोलेगा कि अरे यार इसने मेरे साथ ऐसे किया तो बाहर के लोगों को अरे यार शी वॉज बिहेविंग रियली गुड विथ अस सो इट्स काइंड ऑफ दैट इनकी जो हस्बैंड रहते हैं इनकी जो इन्होंने हालत ख़राब करी हुई रहती है या फिर अभी मैंने तो इनके हस्बैंड ही देखा है बट हो सकता है इनकी वाइफ भी रहती होगी तो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलेंगे जानबूझ कर दूसरों को मतलब स्टीलिंग की भी आदत देखी गई है इनमें छोटी मोटी चोरियाँ करते हैं अभी चोरियाँ मतलब खुद के लिए नहीं करेंगे आइए जैसे कि किसी के रॉर का पेन ड्राइव है ये उठा कर दूसरे के डॉर में डाल देंगे और बोलेंगे कि यार मैंने तेरा ना इसकी इसमें देखा था तो वो दोनों की झगड़ा करवा देंगे सो so, इस टाइप का माइंड गेम खेलते रहते हैं खुद की जिसमें भी अच्छाई है उसमें माइंड गेम खेलते बहुत ही धूर्त चलाक लोमड़ी वाला दिमाग पाया है इन्होंने अ कुछ गलत हो गया तो ब्लेम कभी भी खुद पर नहीं लेंगे सामने वाले के ऐसे बोलेंगे कि मैंने नहीं किया तुम्हारी ही गलती है एंड ऐसे पट्टी पड़ा ये सामने वालों पर सब थोप देते हैं एंड खुद अलग हो जाते हैं और इनका एक स्पेशल एक बिहेवियर रहता है इफ़ यू कैन कैच दिस आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये क्या करता है फ़र्स्ट टाइम आपसे जब भी मिलेंगे आपको लगेगा कि ये मतलब इतनी अच्छी बिहेवियर है यार इतनी अच्छी पर्सन है इतना अच्छा पर्सन तो हमने कभी देखा ही नहीं इतनी अच्छी बिहेवियर है इनका मुझे अब तक इतने अच्छे सीनियर्स कभी मिले नहीं है यार इतने अच्छे हैं बट बाद में ये जो अपना मतलब रूप बदलते हैं ना देट वॉज लाइक मैं तो बोलती हूँ इनका जो असली रूप होगा वो प्रॉबेबली इनके हस्बैंड या फिर इनके वाइफ या फिर इनके मॉम डैड ने ही देखा होगा ये ऐसा गुस्से और पॉइंट सिम्टम्स जो भी है बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले रहते हैं ये जो थर्टी के बाद की जो मेचोरिटी चाहिए वो इनमें नहीं रहती है प्रॉबेबली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बहुत ज़्यादा डरते हैं ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे ये दिखाने के लिए कि मैं कैसे बेटर हूँ दे नो दैट कि हाउ टू अर्न मोर सो करियर में ये बंदे बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं बहुत नार्सिसिस्ट आपने देखे होगी जिनके करियर बहुत अच्छे बने हैं बट इनका जो पर्सनल uh, लाइफ रहता है वो ज़ीरो रहता है क्योंकि यू you नो know, फिर नकाब चढ़ाकर आप कितने देर तक रहोगे वो इसमें नकाब चढ़ाकर रह सकते हो आप बाहर कहीं लेकिन एक ना एक दिन वो नकाब निकल ही जाता है आपके घर के लोगों के सामने तो वही है कि सॉरी <coughs> <sorry, coughs> तो वही है कि निकल ही जाता है सो फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पर्सन टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक आई एम जस्ट शेयरिंग यू माई एक्सपीरियंस अभी दुनिया में ऐसे लोग हैं मैं हमेशा समझती थी कि वर्ल्ड में इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग क्यों है कोई खूनी है कोई ये है कोई अलग बिहेव करता है हमें कुछ लोग बहुत वियर्ड लगते हैं नॉर्मल लोगों से सो ये जो वियर्ड लोग रहते हैं इनमें से मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरे के पूरे वियर लोगों को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है बट हो सकता है इनमें से कुछ लोगों को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जो कि हमें नहीं पता रहता और हमें हमेशा ऐसे लगता रहता है कि ये लोग इतने वियर्ड क्यों है जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर है जिसमें मूड काफ़ी स्विंग्स होते रहते जैसे हम बोलेंगे कि अरे अभी तो हंस रहा था कल को पता चला इसने सुसाइड कर लिया हमें हमें तो कभी लगा ही नहीं कि ये दुख में है ये तो बहुत ही स्माइलिंग फेस है इसका सो इट्स लाइक दैट ओनली नॉर्मल लोगों को पता नहीं रहता है नॉर्मली कि ये बंदे में ये प्रॉब्लम होगा तो मैंने आप जो स्टोरी बताई वो मन की उनके मॉम डैड खुद हमारे कंपनी में आए थे कुछ इशू हुआ था तो मैंने आपको जैसे बताया एंड देन दे टोल्ड अस कि ऐसा ऐसा इशू है ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है एंड दे वेयर लाइक उनके हस्बैंड से भी ये माफ़ी माफ़ी मांग रहे थे कि छोड़ो भाई जाने दो अभी बच्ची है ये है सुधर जाएगी ऐसे वैसे तो मतलब रिलेशनशिप में भी ये लोग स्टेबल नहीं रहते आई हैव सीन दिस दिसमंथ थी हुए थे शायद से उनकी शादी को तो uh, दोनों ने लव मैरिज करा था बट दोनों ने लव मैरिज करा था बट आफ्टर टिल द टाइम ऑफ मैरिज दिस गर्ल वॉज बिहेविंग रियली गुड विद दिस बॉय बाद में पता नहीं क्या हो गया यार ये इनका बिहेवियर चेंज हो गया ये इनको अब्यूज़ करने लगी सबके सामने नहीं बट जैसे दोनों बैठे हैं तो दूर से तो हमको दिखता ही है कि ये इसकी वाट लगा रही है सो यही है कि यू नो बचो इनसे ये लोग क्या करते हैं इनका एक साइकिल रहता है जैसे ये पहले आपके साथ मीट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपके साथ बिहेव करेंगे इनका दिल में ना सहानुभूति नहीं रहती है किसी के लिए पत्ती नहीं रहती है किसी के लिए इनको किसी की इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है आप अपना दुख इनको कितना भी बताओ इनको कुछ भी नहीं करना चाहिए तब हाँ हाँ ऐसा है वैसा है ये सिर्फ़ अपनी ही मन की बताएंगे इनको लगता है एंड इनका नेचर कैसे होता है ना जैसे काम निकलवाना इनको किसी से सो दे विल डू कि ये क्या करेंगे कि अभी इनका अगर हस्बैंड अच्छा भी होगा तो ये दस लोगों को वही बताएंगे कि यार मैं बहुत परेशान करता है घर में तो मुझे मारता भी है ये है वो है ऐसे करके ये सामने वाले की सिंपत्ति ले लेंगे एंड उनके साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे और फिर उनको यूज़ करेंगे यूज़ करेंगे देखेंगे सामने वाला कब तक इनको मतलब यू नो एनर्जी दे रहा है सो so, दे आर लाइक ब्लड सकर्स एक विक्टिम ऐसा ढूंढ लेते हैं ये विक्टिम को भी पता नहीं चलता कि ये उनका विक्टिम है ये उनका नेक्स्ट एनर्जी सप्लायर है Unless, until, वो ये उसको पूरा खाली ना कर दे सो so, मुझे लगता है कि uh, इनके कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं होते सबसे आप देखोगे ये हमेशा अकेले रहते हैं इनका कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं रहता है बहुत ज़्यादा एंगर रहता है इनमें बहुत ज़्यादा इनके फेस पर आप कुछ ना कुछ सिम्टम्स देख लोगे साइन देख लोगे लो कि एंगर का इनका जो रियल रूप है वो तभी सामने आता है जब ये बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है इनके मुझे सच में यार आता इनके हस्बैंड की इनके माँ की इनके पिता की इस हद तक तो ये जलस रहते कि खुद के भाई बहन से भी ये इतना जलते हैं अगर स्पेशली ये लड़की है तो लड़कियों से बहुत जलेगी इनके ना कोई भी खूबसूरत फ्रेंड्स नहीं रहेंगे क्योंकि इनके मन में इतनी जलसी रहती है तो ये खुद से ज़्यादा सुंदर लोगों को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं ख़ुद से ज़्यादा ब्रिलियंट लोगों को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं बहुत ही ज़्यादा चीटिंग करने में माहिर रहते हैं चीटिंग में कॉपी की बात नहीं कर रही हूँ रिलेशनशिप में ये कभी स्टेबल नहीं रहते हमेशा ये चीट करते रहेंगे तो स्टेबल नहीं रहते ये कभी भी At a time they want more than one or two relationship. Uh, इसमें फंसते भी है ये and they were like नहीं मेरा भाई है ये है वो है अब like uh, इनका जो मौसीला भाई था वो इनको वी हैव सीन के वो इनको छोड़ने आ रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है इनके साथ जा रहा है तो वी वी आर जस्ट आस्किंग दैट हु इज़ दिस पर्सन सो दे वी आर टेलिंग लाइक शी इज माई मतलब वो बंदा जो है वो मेरा मौसी का लड़का है सो जस्ट हाँ मौसी का लड़का है छोटा है काफ़ी एज में एंड हमें बाद में पता चला कि ये इनके साथ भी रिलेशनशिप में सो मतलब उस लड़के को भी इन्होंने सिखाया था कि हम सबको बोलें कि ये कि ये मतलब मेरी दीदी है सो so, किसी भी हद तक जाएंगे मतलब सामने इनके विक्टिम को ना ये ऐसे कन्विंस कर देते हैं उनके दिमाग में ऐसे बिठा देते हैं उसे वो अपनी दुनिया इनकी आँखों से ही देखता है तब तक देखता है जब तक ये इनको डिस्कार्ड ना कर दे तब तक देखता है जब तक इनको लगता है कि सामने वाला मेरे हाथ में है लेकिन ये जो सामने वाला उनके जिसको उन्होंने पकड़ा हुआ रहता है उसकी ये एनर्जी सक करते रहते हैं और उसको पता ही नहीं चलता जब तक उसको पता चलता है तब तक वो पूरा खाली हो चुका रहता है एंड फ्रेंड्स मुझे सच में दया आती है इनके मम्मी की इनके पापा की इनके भाई भाई की इनके बहन होगी शायद से उनकी या फिर इनके वाइफ की सोचो आप अगर नार्सिसिस्ट अगर मैंने तो एक वुमन एक्सपीरियंस करी थी बट अगर नार्सिसिस्ट कोई जेंट्स होगा तो वो तो अपनी वाइफ की लाइफ हेल्प कर देगा मतलब आई कांट इमेजिन कि वो उनको बोलेगा कि आप किधर भी मत जाओ घर में ही रहो शक लेगा जेलस तो बहुत रहते हैं तो शक भी लेंगे शायद से मतलब उसकी तो वुमन की तो पूरी लाइफ ख़राब कर देंगे तो मैंने देखा है इनकी जो मेल पार्ट मतलब हस्बैंड है उनकी भी लाइफ खराब हो रही थी एंड पता नहीं क्यों सहन करते हैं शायद से प्यार होगा माँ बाप को तो सहन करना ही पड़ता है अगर खुद के बच्चे रहे तो तो प्यार ही रहता है ये लोग कभी सुधरते नहीं हैं ये लोग बैक बीचिंग हमेशा करते हैं जैसे और पर्सनली विक्टिम को परेशान करते हैं जैसे कि फ़ॉर एग्जांपल मैं हूँ मुझे अगर परेशान किया मैं दस लोगों को जाकर बताऊंगी तो दस लोग बोलेंगे नहीं शी वाज रियली गुड विथ अस हाउ यू कैन से अबाउट दिस वूमेन सो ये पर्सनली परेशान करते हैं सबको Uh, कुछ लोगों को जल्दी पता चलता है कुछ लोगों को लेट पता चलता है बस इतना ही तो इनको इनके कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं होते हैं इनके रिलेशनशिप किसी के भी साथ अच्छे नहीं होते हैं uh, अगर ये लड़की है तो इनके बहुत ज़्यादा मेल फ्रेंड्स रहेंगे सेम फॉर वाइस वर्सा की अगर ये लड़के हैं तो इनकी लड़कियों के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप रहेगी इनको लगता है ये दुनिया के बहुत ही खूबसूरत इंसान है दुनिया के बहुत ही ब्रिलियंट इंसान है दुनिया के सबसे अजीब इंसान है एंड आप बहुत लकी हो कि आपको वो मिले आ, बहुत ही सफ़ेद झूठ मुंह पर सफ़ेद झूठ बोलेंगे जैसे आपने इनको बोला कि मैंने तुम्हें यू uh, नो you know, ये रिंग दी थी डायमंड रिंग दी थी अगर इनके हस्बैंड दस लोगों के सामने बताया कि मैंने मीस को आई हैव गिवन हर डायमंड रिंग सो शी माइट बी टेलिंग दैट उसी दिन सुबह इन्होंने दस लोगों को बताया रहेगा कि ये मैंने मेरी अभी जो सैलरी थी उससे खरीद ली मैंने खरीदी है ऐसे मैंने खरीदी है सो इट्स लाइक दैट ओनली